नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आप अगर एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, तो आपके सामने एक चीज आती होगी कि आप कहीं से दवा मंगाते होंगे, वो दवा खत्म होती होगी और वो डिब्बा खाली हो जाता होगा। ये 100% होता होगा, दवाइयां आपने मंगाई, दवाइयां खत्म हो गई, डिब्बा खाली हो गया। आज की वीडियो में मैं इसी विषय पर, उन खाली डिब्बों का क्या करें, इसी के बारे में बताने वाला हूँ, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा सोचना समझना है, वो चीज मैं अपने ऑडियंस के साथ में शेयर करने के लिए आज की वीडियो में आया हूँ। उसे देखिए, क्या होता है कि जब आप दवा मंगाते हैं, दवाइयां डिब्बा वेस्ट होता है, तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं कि सड़कों पर ऐसे फेंक देते हैं, लावारिस सड़कों पर फेंक देते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, उसके हिसाब से दवाओं के डिब्बे को कभी भी सड़क पर ऐसे ही फेंकना बिल्कुल चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उसमें दवाइयां ही सब कुछ हैं, दवाइयां पूजनीय हैं हमारे लिए। हम अपने शॉप को एक मंदिर से कम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हम हमेशा से दवाओं को, जो आप खा रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं, जो चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हैं, वो किसके बदौलत आपके पास में आ रही है, सिर्फ दवाओं के बदौलत। वो दवाइयां मान लीजिए खत्म हो गए, तो उसको डिब्बे हैं उसको फेंकना मेरे ख्याल से अपने ही धंधे का डिसरिस्पेक्ट करना है। अब आप कहेंगे कि भैया वो डिब्बा खाली हो गया है, दवा बिक गई, डिब्बा खाली हो गया, अब मैं डिब्बों का करूं क्या भाई साहब? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं अपनी छोटी सी राय आपको देना चाहता हूं। देखिए, अगर आपके डिब्बे बेकार हो गए हैं, यूज के लिए नहीं है आपके पास, तो आप उन डिब्बों को सजा करके अच्छे तरीके से कहीं रख ले। क्योंकि मान लीजिए आपने जीरो डॉलर एसपी दवा मंगवाई, दवा बिक गई, खत्म हो गई, आपने डिब्बा फेंक दिया, तो दवा आप अगली बार मंगवाओ तो आपको स्टॉकिस बार बार डिब्बा नहीं देगा। तो वो डब्बा आपने जब चार स्ट्रिप पांच मंगाया, तो आप उस पुराने डिब्बे में उसको रख सकते हो, तो वो आपको रीयूज हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, वो दवा आपको मंगानी ही नहीं है, दवा बिकती ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब नई दुकानें खोलते हैं तो दवाइयां कम लेते हैं, 3 स्ट्रिप 4 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टॉकिस्ट उनको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप दे देते हैं, डिब्बा नहीं देते हैं साथ में। तो आप वो डिब्बे ले आकर के उन भाई साहब को दे सकते हैं कि भैया वो डिब्बों के काम आ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो डिब्बा आपके भी काम आने वाला है, आपके भी यूज के लिए काम रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, गांठ मान लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाइयां आपके दुकान पर कम हो गई हैं, आपका रैक खाली दिख रहा है, तो रैक खाली दिखे, रैक बिल्कुल बेकार सा दिखे, सूना दिखे, उससे अच्छा है कि आप उन खाली गत्तों को, खाली डिब्बों को उस रैक में भर दें, जिससे कस्टमर अगर उसको देखे तो उसे खाली ना दिखे। ये कस्टमर की साइकोलॉजी होती है कि जो मेडिकल स्टोर से खाली दिखते हैं वो उसके पास कभी जाता ही नहीं है, तो वो डिब्बे भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। इसके अलावा आप जब पढ़ते रहे होंगे, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो क्या आप जो किताबें पढ़ चुके थे, जो किताबें आपके लिए अब यूजफुल नहीं रही, क्या वो किताबें आप फाड़ करके फेंक देते थे क्या? क्या वो किताबें आप जला देते थे क्या? आप किसी जरूरतमंद को दे देते थे या फिर अपने पास संभाल के रखते थे? सेम वैसा ही बिहेव, सेम वैसा ही रिस्पेक्ट आप अपने दवा के बिजनेस को दें, आप उन डिब्बों को भी दें। मेरा तो मानना भाई साहब यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एकदम सही हूं, अगर आप लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि उन डिब्बों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना कि आप अन्य चीजों को देते हैं, जितना वो किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर आप अपने पास संभाल के रखें, आपका रैक खाली हो गया वहां पर लगा लें। उनको ऐसे ही फेंकना मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं खुद देखता हूं, दवाओं के डिब्बे को सड़कों पर फेंके रहते हैं, ठंडियों में निकाल के उसको जलाते हैं। मेरा मानना है कि ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने ही धंधे को अपने ही पैर से कुचल रहे हैं, आप अपने ही व्यापार को अपने ही अंदाज में इंसल्ट कर रहे हैं।